हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह का टाइम है और मैं निकल रहा हूँ बस अपने काम के लिए। सुबह नाश्ता वगैरह करके छोटी बहन मुझे जा रही है स्कूल, मैं निकल रहा हूँ अपने काम के लिए। और गाइस, आपको मेरे चैनल पर दूसरी सेकंड वीडियो भी मिल जाएगी। मैंने उसमें अपने काम की वीडियो डाली है, जो हमारी मशीन पर काम होता है वो वीडियो डाली है मैंने। तो वो आप मेरी वीडियो देख लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। टाइम अभी हो चुका है 9 बजने वाले हैं और मेरा टाइम हो गया है, मैं जाऊंगा क्योंकि मुझे वहां से फ़ोन आ चुका है। तो भाई साहब, मेरे व्लॉग को शेयर कर दिया करो तो ताकि जिससे आगे भी लोग देख सके मेरे व्लॉग को। बाकी आगे की वीडियो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरे पापा जी भी निकल गए काम पर और छोटी बहन वो स्कूल गई और बड़ी बहन कॉलेज है, और मैं भी जा रहा हूँ अपने काम पर। मम्मी अभी नाश्ता बना रहे हैं, मैं भी नाश्ता करके निकल रहा हूँ। तो भाई चलता हूँ मैं काम के लिए। मैं पहुंच चुका हूँ फैक्ट्री और मैं खोलने जा रहा हूँ फैक्ट्री। देख सकते हैं गाइस, मैं फैक्ट्री आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं ही आया हूँ। अभी सिर्फ मैं ही हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ फैक्ट्री में और मैं अब अपना अपना काम करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लाइट्स ऑन करता हूँ, देख सकते हैं आप। ये लीजिए, लाइट्स मैंने कर दी हूँ, अब मैं लगता हूँ अपने काम पर। और गाइस, मैं आपको बता दूं, मेरे व्लॉग को आप शेयर जरूर कर देना क्योंकि अभी मेरे चैनल पर सिर्फ खास वीडियोस नहीं है, 10-11 ही वीडियोस हैं। तो मुझे पता है कि अभी ज़्यादा चैनल ग्रो नहीं हो सकता, मगर आप मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए करें। तो मैं आपको दिखाऊँ कि रात में हमने क्या क्या काम किया। तो ये देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पर देखिए। तो रात में हमने ये बैग प्रिंट किए, देख सकते हैं आप कितना छोटा बैग है। और ये रहा एक, ये भी प्रिंट किया हमने, ये भी हमने बनाया है, ये भी और ये भी। तो देख लिया गाइस आपने, ये सारे बैग हमारे इस मशीन पर बनते हैं और जिसको हमने रात में बनाया है। अरे देख सकते हैं आप गाइस, मशीन कितनी बड़ी है। बाकी स्टॉक आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था पहले कितना सारा स्टॉक पड़ा था, जिसमें से हमने यहाँ पर भी पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, जो हमने सारा मतलब यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अभी बस थोड़ा सा बचा जो कि हम दिवाली तक कर देंगे ख़त्म। दिवाली आने में कुछ खास दिन नहीं बचे, सिर्फ थोड़े दिन ही बचे हैं, 9-10 दिन बचे हैं। बाकी आप देख सकते हैं, अब मैं आ चुका हूँ, मैं अपना अपना सारा काम करूँगा, उसके बाद में वो सभी आ जाएंगे और हम फिर उसके बाद काम लगेंगे। तो गाइस, मैं आपको अपना रूटीन बताऊँ, मैं यहाँ पर फिर काम करूँगा। मैं 1 बजे घर पर जाऊँगा अपना लंच करने के लिए। लंच करने के बाद मैं फिर से अपने काम पर आ जाऊँगा। फिर उसके बाद रात में हमारा घर पे जाने का कोई टाइम नहीं है। रात में 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, 8, 9, 10, कुछ भी टाइम नहीं फिक्स। मतलब जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है हम तभी यहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस, आपको मेरे चैनल पर दिवाली पे बहुत अच्छा व्लॉग देखने को मिलेगा, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। दिवाली पर मैंने पहले ही सोच रखा है कि मैं आपको दिवाली बहुत अच्छा व्लॉग दिखाऊँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिवाली पे छुट्टी होती है। तो गाइस, मेरी भी छुट्टी होगी दिवाली पर, तो दिवाली पे मैं बहुत अच्छा व्लॉग शूट करूँगा क्योंकि मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी है। क्योंकि गाइस, मुझे ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं, मैंने आपको बताया जैसे पहले वीडियो में कि मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतने टाइम में वीडियो शूट कर लेता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब टाइम की प्रॉब्लम है थोड़ी।
बाकी देख सकते हैं गाइस आप कितनी बड़ी फैक्ट्री है, मतलब सर्दी भी अब बढ़ चुकी है गाइस। गेट वगैरह मैंने कर दिया बंद, धूल मिट्टी बहुत है बाहर। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि टाइम हो गया उनके आने का सभी लोगों का, तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि मैं व्लॉग का करूँ एंड। तो गाइस मैं आपको जाते जाते ये बता दूं कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और व्लॉग को शेयर से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली, थैंक यू एंड बाय।